लेट्स मेक दिस ब्यूटी एंड द बीस्ट इंस्पायर्ड रोज़। तो आपने बचपन में ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी में ये रोज़ तो ज़रूर देखा होगा, तो मैंने सोचा चलो आज इसको बनाते हैं। तो मेरे पास ये एक बॉटल पड़ी हुई थी जो कि एप्पी फिज़ की बॉटल थी छोटी वाली, इसको मैंने काट के अलग कर लिया। और फिर इसके बाद मैंने ये सुपर क्ले लिया था रोज़ बनाने के लिए। आप चाहो तो पेपर का भी रोज़ बना सकते हो, बट मेरे से पेपर का रोज़ छोटा सा बन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो क्ले ही से बना लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने क्ले में थोड़ा सा कलर भी ज़्यादा मिला दिया, क्योंकि जिससे क्ले का कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट आए, क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा डल था। और इस तरह से हमने अपना रोज़ बनाते गए। और नीचे मैं इसके वायर यूज़ कर रही हूँ इसकी स्टेम बनाने के लिए। हमारा रोज़ कितना इजीली बन गया। अब जो ये वायर था उसको मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया, इसके लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही थी। और जब तक हमारा रोज़ सूखता तब तक हमने सोचा चलो इसका ही नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं। तो मेरे पास वॉलपेपर रखा हुआ था, वुडन वॉलपेपर, जिसको मैंने कार्डबोर्ड पे लगा दिया। आप चाहो तो ब्राउन कलर का पेंट भी कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसमें अपना रोज़ अटैच कर दिया छेद करके और ग्लू से चिपका कर। इसके बाद ये जो हमारी बॉटल थी इसको मैंने ग्लू गन से चिपका दिया। और फिर इसके बाद ये जो ढक्कन वाला पार्ट था इसको भी हमने कवर करना था, तो मैंने इसके लिए भी क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप मोल्डेड क्ले या फिर सुपर क्ले जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और इसके बाद ये जो थोड़ा ग्लू लगा हुआ था वो दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको पर्ल से कवर कर देते हैं पूरी तरह से। जब मैंने इस पे ऊपर नीचे पर्ल्स चिपका दी, अब ये जो ऑरेंज क्ले है इसको हमने ऑरेंज तो छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं इस पे गोल्डन एक्रेलिक कलर से पूरा इसको पेंट कर दूंगी। एंड हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो कितना ईजिली हमारा ये बॉटल से ब्यूटी एंड द बीस इंस्पायर्ड रोज़ बन के रेडी हो गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना।